आज तो मेहता साहब की नौकरी गई। बेचारे मेहता साहब, अब उनका क्या होगा? चलो जाके देखते। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उनको वीडियो कॉल पे झूठ बोला है कि मेहता साहब को मूंछ आ गई है। अरे झूठ तो मैंने भी बोला है। अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे ना। हाँ। तो मिलकर डांट खा लेंगे, वैसे भी आप खाने के शौकीन नहीं। चलो चलो चलो। मेहता साहब, आप मिलने के लिए आपके बॉस कब से बेकरार है? बॉस? आप? आप कैसे हैं? आइए आइए। ऐसे ही मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। सच में सर? या फिर आप ये चेक करने आए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? नहीं नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन सुबह तुम पे थोड़ा डाउट किया ना, इसलिए थोड़ा सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। सर अब सॉरी मत बोलिए, बैठिए ना सर, बैठिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। तुमसे मिल लिया बस मेरे लिए इतना ही बहुत हो गया। थैंक यू सर। मैं एक बार पाँव दिखाओ अपना। सर आपको अभी भी मुझ पे डाउट है? नहीं नहीं, मुझे खाली देखना कि मोज एग्जैक्टली कहाँ लगी है, टाइम कितना लगेगा, तुम कभी ऑफिस आ पाओगे, एट ऑल दैट। दिखाओ दिखाओ। जी सर, ये देखिए। आराम से हा? ये देखिए। हाथी भाई, ये किस टाइप का बैंडेज बांधा है आपने? अरे बैंडेज छोड़ो, पैर ही गलत है। सूजन काफी ज्यादा आ गई है। एक मिनट, जहां तक मुझे याद है ये तुम्हारे पैड पे तो बैंडेज था ना? हाँ वो तो है, लेकिन उसके ऊपर मैंने अंजलि का दुपट्टा बांध दिया है सर। वो क्या है ना सर, दवाई के साथ साथ बीवी का प्यार मिलेगा तो मोज जल्दी ठीक हो जाएगी। That is good, भाई, प्यार में बड़ी ताकत होती है बाबी, वेरी गुड। एक मिनट मेटे, जहां तक मुझे याद है वीडियो कॉल में तो दूसरा पैर था ना? सर वो वीडियो कॉल था और ये हकीकत है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा वो थोड़ा अलग अलग दिखता है। तो अब चोट इसी पैर पे है। अब मतलब अब भी बॉस को मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा मत बोलो बाबा, मुझे तुम पे अभी पूरा भरोसा है, बस तुम आराम करो, अच्छे हो जाओ, उसके बाद ऑफिस आना, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। तो इसी बात पे नाश्ता हो जाए? हाँ मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है तो मैं अभी चलता हूँ। तो चलिए हम आपको सोसाइटी के बाहर तक छोड़ के आते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी ड्राइवर को कंपाउंड में ही बुला लेता हूँ। हाँ। गाड़ी को सोसाइटी के कंपाउंड में लेकर आओ, मैं आ रहा हूँ बाबा। हाल बाल बच गए अंजलि। सच, भगवान का लाख लाख शुक्र है। और गोकुल धाम वासियों का भी। मेहता अंकल, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, he's all right। हाँ बच्चों रिलैक्स, फाइनली बॉस मेहता साहब से मिले उनके घर के अंदर ही।
सब अभी एकदम सही है। अरे जो ऐसे क्या देख रहे हो, मेहता साहब के बॉस उनका कामकाज छोड़कर मेहता साहब से मिलने आए, तो उनके लिए क्लैप तो बनती है ना। बजा बजा। अरे बस 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 बेटा बस। अब भाई देखो ऐसा है कि मेहता पूरा साल अपना फर्ज निभाता है, ऑफिस में मेरे काम करता है। अभी उसकी तबीयत खराब है तो तबीयत के बारे में आके पूछना, ये मेरा भी तो फर्ज है ना। सही बात है। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, मैं तेरे को ये सोसाइटी बहुत ही प्यारी मिली है और आप लोग उसको बहुत ही प्यार करते हो। हमारा मेहता साहब है ही ऐसे। हाँ, और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। वो तो देखा मैंने, देखा। चलो अभी मैं चलता हूँ। सर जाते जाते एक और सोडा हो जाए। नहीं भाई, आजकल ये सोडा काफी हो गया। फिर कभी आऊंगा छुट्टी वाले दिन और सोडा पीऊंगा तुम्हारे साथ बैठ कर। चलो भाई चलता हूँ मैं, चलता हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय। दिले बाबा एक दस। एक मिनट भिड़े भाई, मेहता साहब तो अंदर थे नहीं, फिर ये मिले कैसे? हाँ भिड़े भाई, कुछ समझ में नहीं आया। समझ तो हमारे भी कुछ नहीं आया, पर मेहता साहब अंदर है और उनके बॉस उनको मिलकर गए। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ ये चमत्कार हुआ कैसे हमें भी नहीं पता। जाके पूछते हैं। चलिए चलिए। तो आज तो मेरी नौकरी गई थी। हाँ ये तो है, भगवान ने और गोकुलधाम वालों ने आज सच में सब कुछ संभाल लिया और जेठालाल की डील भी बहुत अच्छे से हो गई। अंजलि थैंक यू सो मच, कुछ देर के लिए तुमने भी तो बॉस को रोक के रखा था ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब आप मुझसे थैंक यू कहेंगे? मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप खुश हैं। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अरे आप लोग, हाय। कम ऑन अंजलि भाभी, इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। गोली दरवाजा बंद करो। हाँ मेहता साहब, अब क्या जरूरत है, आपके बॉस तो गए ना। आफत बारिश और मेरे बॉस कभी भी आ सकते हैं। सही बात है। गुली बेटा दरवाजा बंद कर दो। जी पापा। अरे माधव आंटी आप आइए आइए। आए आप लोग सब यहाँ? कहाँ चल रहे का? अरे मेहता साहब आप घर पे आ गए? हाँ आ गए और बच भी गए। कैसे गए? वो क्या हुआ बताता हूँ। गोली दरवाजा बंद करना। सर तो हुआ ये कि मैं ये अब कौन आया? मैं कहा साहब कहीं आपके बॉस वापस तो नहीं आ गए? अरे बाप रे तारक, आपके पैर में पट्टी मतलब दुपट्टा बांध लेना, जल्दी से बांध दिए। ये चाहिए। हाँ चाहिए। अरे ये उठा, पहले देख ले, पहले देख। अरे ये तो जेठा अंकल है। अरे मेहता साहब आ जाइए, जेठालाल है। आइए जेठा अंकल। जेठालाल तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दुकान जाना है। हाँ वो आधे रास्ते से वापस आ गया। क्यों? वो मुझे लगा कि न करण नारायण कहीं आपके बॉस ने आपका झूठ पकड़ लिया, तो क्या है कि मैं उनको पर्सनली ऐसे सॉरी बोल के उनकी माफी मांग के उनको कह दूं कि आपने जो कुछ किया मेरे लिए किया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। मेहता साहब एक बात समझ में नहीं आई, सुबह आपके बॉस के साथ वीडियो कॉल पे बात हो गई थी, सारी पट्टी पढ़ा दी थी, मेरा मतलब है कि पट्टी दिखा दी थी और वो कन्विंस भी हो गए थे, फिर उनको आप पे शक कैसे हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था आती भाई, लेकिन अचानक से मेरा बॉस जेठालाल की दुकान में आ धमका। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में? हाँ। आपके पास मोबाइल के लिए कार चार्जर होएगा? ये लीजिए।
कितना हुआ? 300 300। उसके बाद मेरी बात बॉस से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं डर गया, मैंने तुरंत अंजलि को फोन किया और भिड़े को फोन किया, दोनों ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद आज रे भाई, अभी मेहता सबके बॉस वहाँ आएंगे तो कुछ भी हो जाए उनको सोसाइटी के अंदर जाने मत देना। तेरी दुकान के पास, सोसाइटी के वो गेट के पास उनको रोक के रखना, ठीक है? जेठालाल की मदद करने के लिए मैंने अपने बॉस से झूठ बोल के छुट्टी ली और कहा कि मेरे पैर में मोच आई है, और अभी मेरे बॉस मेरी मोच देखने के लिए मेरे घर पे आ रहे हैं। ठीक है मेहता साहब, मैं समझ गया, अब मैं हूँ और आपका बॉस। मैं उन्हें सोसाइटी के गेट के अंदर जाने ही नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश अब्दुल शाबाश। मेहता साहब, जैसे ही आपका फोन आया मैंने गेट को ताला लगा दिया और सामान वहीं पे रख दिया। अब्दुल ने बहुत मेहनत से बॉस को रोक के रखा था, लेकिन मेरी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई। अरे वो जब जाएंगे तब जाएंगे, तुम ताला क्यों नहीं खोल रहे हो भाई? ताला तो खोलो, मुझे अंदर जाना है, तुम्हारे पास चाबी है ना? नहीं, हो गई हो गई। हाँ मेरे पास है ना चाबी, लकीली, वेरी गुड। मैं खोलता हूँ ताला, ये जरा बॉक्स हटाओ। अरे आप भी थोड़ा मदद कीजिए ना। अरे भिड़े भाई क्या कर रहे हैं आप? ये मेहता साहब के बॉस है, मेहता साहब को मिलने के लिए आए और मेहता साहब घर पे नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। अब भी क्या है, क्या हम गोकुल नवासी का एक स्टाइल है, जो भी हमारे सोसाइटी में पहली बार आता है ना, हम उसको अब्दुल के हाथ की सोडा पिलाते हैं। बस अभी मैं और सोडा नहीं पीऊंगा, मैं जा रहा हूँ मेहता को मिलने, जा रहा हूँ मैं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, मैं तो खुला ही पड़ा था। और फिर मैं बॉस को अपने घर लेके गया, उनको जैसे तैसे बातें करके रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए, निगुनस गेले सरळ ते। आप सबका ये हाल था, लेकिन हमें तो वहाँ पे ऑटो टैक्सी मिली नहीं रही थी, मुश्किल से एक ऑटो मिली तो उसने गोरेगांव आने के लिए मना कर दिया। उसके बाद एक टैक्सी मिली तो रास्ते में उसकी गैस खत्म हो गई। अरे ये गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं साहब, रुक गई है, गैस खत्म हो गया। देखो देखो रिक्शा टैक्सी मिली। और उसके बाद मुश्किल से एक ऑटो मिली, लेकिन रास्ते में उसे उसका कोई पुराना कस्टमर मिल गया जिससे उसे पैसे लेने थे। मेरा भाड़ा दे। ओ भाई कौन है तुम? अरे भाई साहब क्या हुआ? साहब कुछ दिन पहले ये मेरे ऑटो में बैठा था और इसके पास छुट्टा नहीं है, ये बोलकर गया छुट्टा लेने पर ये वापस लौट कर ही नहीं आया। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अभी भाड़ा दे दीजिए। आज पे छुट्टा नहीं है साहब, अगर आपको देरी हो रही है तो आप एक दूसरा ऑटो कर लीजिए और यहाँ तक का मेरा भाड़ा दे दीजिए। हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ले ले चल। फिर उसके बाद मुझे जब भिड़े मास्टर का फोन आया तो मैं आपके बॉस को जबरदस्ती अपने घर ले गया। उसके बाद हमें एक और रिक्शा मिली, लेकिन वो रिक्शा वाला इतनी धीरे चला रहा था कि उससे तेज तो बैलगाड़ी चलती है, और फिर आधे रास्ते में उसने भी हमें उतार दिया। हम फिर से रास्ते पे आ गए, हम वहाँ कितनी देर खड़े रहे लेकिन एक टैक्सी एक रिक्शा नहीं दिख रही थी। बोलो भाई, उसके बाद जेठालाल ने गाड़ी वाले से झूठ बोल के लिफ्ट ली। क्या कर रहे हो भाई? भाई साहब हमारा एक रिश्तेदार बहुत ही सीरियस है, हमको अर्जेंट वो पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव पहुँचना है। प्लीज हमारी हेल्प करेंगे, इमरजेंसी, हमको वहाँ तक पहुँचा देंगे प्लीज। ठीक है बैठो। और यहाँ मैंने आपके बॉस का झूठ मूठ का चेकअप किया, उनको समोसे कचोरी खिलाए, ऐसे बिजी रखा। खाइए ना, खाइए ना। और खा रहा हूँ, आप लोग बोलना बंद करेंगे तो। हाँ सॉरी। हमारे घर से जब आपके बॉस बाहर निकल गए तो अब्दुल भाई ने उन्हें सोसाइटी ऑफिस में रजिस्टर पे साइन करने के बहाने ले गए, और फिर भी आप लोग आ नहीं रहे थे। अरे कोमल भाभी, ये भीड़ की वजह से वो गाड़ी वाले ने भी हमें बीच रास्ते में उतार दिया। अजो का संबंध? अरे तुमने फोन किया था ना मेहता साहब को, शौक बॉस शौक। अरे नहीं नहीं भीड़े, ऐसा मत बोलो, कुछ भी करके मेरे बॉस को रोकना तो पड़ेगा ही। अगर बॉस मेरे घर पे चले गए ना तो आज मेरी नौकरी गई। लेकिन मेहता साहब, उनको रोकने के सारे पैंतरे आजमा चुके हम लोग, अभी हमें कुछ सूझ नहीं रहा है,
आप ही कुछ बताए ना क्या कर सकते हैं। हाँ, उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट का नाम सुनते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। जेठालाल इसकी तो बैटरी लो हो गई। उतरिए अभी के अभी उतरिए। देखिए भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है, झूठ बोलते मुझसे, बेवकूफ बनाते हो। उतरिए अभी का भी उतरिए। और तभी बॉस सोसाइटी ऑफिस से बाहर निकल गए। मेहता अंकल जैसे ही आपके बॉस सोसाइटी ऑफिस के बाहर आए, हमने उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन आप लोग सोसाइटी में कैसे आए और मेहता अंकल आप घर में कैसे आए? कार वाले ने तो हमें उतार दिया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो फंस गया, मेरी नौकरी गई। अब कुछ नहीं हो सकता जेठालाल, कुछ नहीं हो सकता, मैं बुरी तरह से फंस गया। बॉस मेरे घर पहुंच जाएगा और हम लोग अभी बीच रास्ते में, पता नहीं बॉस मेरा क्या हाल करेगा। हम निराश होकर एक जगह बैठे थे, फिर पता नहीं कैसे अचानक से एक रिक्शा वाला आया। साहब कहीं जाएंगे आप? जाना है, कब से जाना है? हाँ मतलब घर जाना है। घर जाना है। बैठिए, आइए बैठिए। देखा मेहता साहब ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। आइए बैठिए। चलो। अरे दोस्त, आज तो तूने खुश कर दिया। दोस्त तुझे पता नहीं है तू हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है। तू फटाफट हमको पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव पहुंचा दे तो मैं तुझे मीटर के ऊपर एक्स्ट्रा 500 रुपया दूंगा। मैं ईमानदार इंसान हूँ सर, ले जाऊंगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। मीटर से जितना उतना दे देना बस। अरे इतनी अच्छाई, ले 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 तू ले, जल्दी ले। जल्दी जल्दी जल्दी। आप चिंता मत कीजिए, अभी देखिए मैं कैसे फटाफट पहुंचा दूंगा। चलो चलो जल्दी। अभी रिक्शा चलाता हूँ तो रॉकेट की तरह। कुर्सी की पेटी बांध लो, चलो अभी उड़ेगी रिक्शा। फिर हम लोग छुपते छुपते वो पैसेज में अंदर आए और देखा कि कंपाउंड में आप लोग बॉस के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। उतरे मतलब आप लोगों ने हमें क्रिकेट खेलते हुए देखा था? हाँ बेटा। अच्छा तो फिर आप दोनों ने क्या किया? जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, जिसका भाव अच्छा होता है उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। दोस्तों बॉस ने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर ही दिया था, लेकिन किस्मत नाम के थर्ड अंपायर ने उसे नो बॉल घोषित कर दिया। पर ये हुआ कैसे? ये तो बिल्कुल कछुए और खरगोश की रेस की तरह हुआ, जहां पर खरगोश तेज भागता है लेकिन कछुआ पहले आ जाता है। ये हुआ कैसे? दोस्तों देखने में तो ये चमत्कार लगता है लेकिन है नहीं। क्या ये किस्मत का खेल है या समय का मेल है? आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में जो कुछ होता है धूम धड़ाके के साथ होता है, लेकिन ये धूम धड़ाका कब कहां और कैसे हुआ ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। मेरी घर पर एंट्री आपके घर पर लाएगी हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।